देखो छोटी, परेशान मत हो, तुम्हारे भैया बहुत जल्दी आ जाएंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे चीज भी लाएंगे, ठीक है? अंजलि देखो, अंजलि मैं जा रहा हूँ। ये इतनी परेशान हो रही है, इसको समझाओ पहले। ये है तुम्हारे भैया इधर। भैया हाँ छोटी, अरे क्यों जा रहे हो भैया? छोटी, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा, कमाऊंगा नहीं, तो तुम्हारे आंखों का इलाज कैसे मैं होगा? वही कब से समझा रही हूँ, रोए जा रही है, कह रही नहीं भैया को मत जाने दो, भैया को मत जाने दो। कोई बात नहीं, भाभी की बात मानो। और सुनो ना, तुम्हें तो पता है ना, आँख ठीक होने के बाद तुम्हारी अच्छी पढ़ाई करवानी है और अच्छे लड़के से शादी कराना शादी है। भी होगी, चलो बैठो, बैठ जाओ, इधर आओ। चलो। अब ये बताओ आप कब तक आओगे? छोटी सी तो बोल दी, हमें कौन बोलेगा? मुझे तो प्यार ही नहीं है आपका। अच्छा जी, अभी गए भी नहीं और बेचैनी छा गई क्या? क्यों नहीं बता के जाओ ना, कब तक आओगे आप? ज्यादा नहीं, 2-4 महीने में आ जाऊंगा पक्का? ठीक पक्का। है, अपना ख्याल रखना, ठीक तुम भी अपना ख्याल रखना और छोटी का भी, ठीक है? है? ओके बाय। बाय बाय। भाभी हाँ भैया जल्दी आ जाएंगे ना? हाँ हाँ आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, परेशान मत हो आप, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ। सर मुझे छोड़ दो सर, मैं सर प्लीज सर छोड़ दो सर। तुझे पता है ना कि हमारे साथ गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है? हाँ? सर सर फिर प्लीज भी तूने सारी बातें पुलिस वाले को बता दिया? सर गलती, सर छोड़ दो सिर्फ प्लीज। और सिर्फ 2,000 के लिए? मुझे गुप्ता जो वहां का हवलदार है ना, उसने फोन करके सारी चीज बता दी है। और तू जेल से बच के सोच रहा था कि मैं भाग जाऊंगा, उसने तुझे आजाद दी ना। अब देख मैं तुझे क्या करता हूँ, तुझे मैं दुनिया से आजाद कर दूंगा। अरे वो तो मर गया, अरे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक जा, रुक जा, कोई मत रुक जा। शहर में आने के बाद भी इस जगह को जब भी मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने गांव में हूँ। बहुत हरियाली है यहाँ पे। अबे तू कपड़ा चेंज करने से पहचान में नहीं आएगा? अभी भी तू वहां पे खून करके आया वहां से, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उस खून का जस्मजीत गवाह हूँ। खून? सर क्या बात कर रहे हो आप, मैं तो अभी अभी आ ही रहा हूँ अपने गांव से। अबे मैं बोल रहा हूँ तुझे, जब बोल रहा हूँ मैं अपनी आंखों से देखा हूँ तुझे खून करते हुए वहां पे। सर आपको गलत फहमी होगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। जाने कहाँ, चला तेरे थाने चलना है? नहीं सर। चल चल थाने चल। सर मुझे चल चल चल, नहीं तो अबे रुक जा। मुझसे बच के भाग रहा था, चला गया ना रामपुर है। दीदी इसकी दीदी का कौन है? हेलो हेलो, हाँ कौन, कहाँ पहुंचे, पहुंच गए? हेलो, अरे कुछ तो बोलिए यार। मारना किसी और को था, किसी और को मार दिया मैंने। मैं उसको तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे हाथों से गलत आदमी का खून, मैं इसको इंसाफ दिला के रहूंगा। अरे यार भाई क्या बन सकते थे यार, मेरे हाथ से एक बंदे का खून है और इस मोबाइल में ना तेरे साथ उसकी फोटो है, हो सकता है कहीं तरह का काम। देखियो भाई। अरे सर ये तो मेरा दोस्त अंकर है। अरे यार इसकी ना मेरे हाथ से खून है। क्या
अरे सर, ये घर से निकला था कमाने के लिए और शहर में मेरे साथ ही रहता है मेरे रूम में। इसी के सगा एक बंदा जो था ना, किसी का खून करके भाग रहा था, तो मुझे लगा कि यही है। सर वो अकेला है घर में कमाने वाला, उसके पीछे उसकी बीवी है, एक अंधी बहन है, अगर वो मर गया तो उसको परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। सर यार तो मर गया मेरे हाथ से, मैं क्या करूं भाई। वो आप बता रहे हैं जो उसके शकल का था उसको ढूंढ के उसके घर पे भेजना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ेगा वरना तीन हत्या का दोष आपके ऊपर लग जाएगा। हे भगवान, चलो मैं कोशिश करता हूँ उसको पकड़ने की, है ना। ठीक है, उसको पकड़ के अच्छा ही करना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये मोबाइल तो मुझे लेके जाना पड़ेगा। ऐसा करो तुम भी चलो, क्योंकि साथ में रहोगे ना, उससे पहचानने में और उसको जानने में हमारी मदद होगी। ठीक है सर। भाभी कहाँ गई? इतना दिन हो गया, अभी तक भैया ने फोन क्यों नहीं किया? मेरा मन तो बहुत बहुत ज्यादा घबरा रहा है भाभी। छोटे मैं फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं लग रहा। मैं खुद ही परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है उनका। टेंशन मत लो छोटी, सब ठीक होगा, मैं फोन लगा रही हूँ। हे भगवान, मेरे भैया को सही सलामत रखना। साला वो पुलिस वाला आज बहुत डराया, उसे लग रहा था कि शिवा को पकड़ लेगा। अरे उसे क्या पता कि शिवा कितने पुलिस वालों को अपने पीछे घुमा रहा है। मेरी प्यारी दारू, तू ही तो मेरी साथी है। बैठ जा शांति से भाई। हेलो, हमें एक बात बता, इससे मानेगा या बातों से? बोल। अबे ओ दरोगा, तू रख साइड में। तू बोले बे। मेरे चक्कर में मेरे दोस्त का मर्डर हो गया। अबे हंस क्या रहा है तू? अबे तो क्या हो गया, मर्डर हुआ ना, रोज एक से एक मर्डर होती रहती है। अरे ये शिवा कितने मर्डर कर चुका है यार, चल जा चिल कर। भाई सुन, मेरे हाथ से जो है ना बहुत बड़ी गलती हो चुकी। अबे तो मैं क्या करूँ, चल जा यहाँ से। पुलिस वाले सब तेरे चक्कर में हुआ है, समझ गया, सब तेरे चक्कर में हुआ है। तेरे चक्कर में एक मासूम का जान चला गया और तू बोला कुछ नहीं हुआ। अबे दरोगा, मैं किसी मासूम की जान नहीं लिया, वो जो था ना वो मेरे राज जानता था, इसलिए उसको मारा। हेलो, दिमाग खोल के मेरी बात को सुन जो मैं कह रहा हूँ, वरना तीन तो पहले हो चुके हैं, चौथा तेरी बारी हो जाएगी अभी, समझ गया? समझा भाई, तू ही समझा इसको। सुन, मेरे चक्कर में मेरे दोस्त का मर्डर हुआ है और उसके पीछे उसकी बीवी, उसकी अंधी बहन है, उसके घर में कमाने वाला वो सिर्फ अकेला था। भाई सुन, हेलो देख, तेरे से कोई हमारी राय नहीं है, मेरी बात सुन भाई, शांति से सुन मेरी बात। देख भाई, तूने बहुत पाप करे हैं और मेरे हाथ से तूने पाप करवा दिया, पश्चाताप करने की बारी अब आ चुकी है। एक बार मेरी बात मान, एक बार तू उसके घर शंकर बनके चला जा। देख, तू उसके घर में जाएगा तो उसकी अंधी बहन है, उसकी बीवी है, अगर उसकी मौत की खबर सुनेंगे तो जीते जी मर जाएंगे। अब तू चाहता है अपने पाप का प्रायश्चित करना तो प्लीज शंकर बनके उसके घर पर चला जाओ। चला जा मेरे भाई, चला जा, एक बार बात मान। थैंक यू मेरे दोस्त, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। हाँ, मैंने काफ़ी सारे पाप किए हैं, अब मौका आया है कि मैं अपने पापों का पश्चाताप करूँ। मैं जाऊँगा, लगता है ऊपर वाले ने मुझे उसकी जैसा इसलिए बनाया है कि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। मेरे वजह से उसकी जान गई है ना, मैं उसके घर का सारा जिम्मेदारी उठाऊँगा, उसकी बहन की शादी भी कराऊँगा। गुड, वेरी गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। चलो भाभी, तुम क्यों आ गई? अंदर रहने चाहिए ना तुम्हें। भाभी अब देखो ना, दो महीने हो गए अभी तक भैया नहीं आए। मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ी, तुम अंदर हो, तुम परेशान मत हो ज्यादा। ये एक मिनट रुक जाओ। फोन क्यों नहीं लग रहा इनका, समझ नहीं आ रहा है अभी। कुछ नहीं छोटी, बस सब्र रखो, आ रहे होंगे, या तो फोन क्यों बंद आ रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा।
भाभी मैं तो जी घबरा रहा है, तेरी छोटी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आपको कौन सा है? वो क्या है ना कि बस में जा रहे थे ना तो एक हादसा हुआ हमारे साथ। क्या हुआ? वो कुछ लोग थे, वो फोन छीन लिया हमारा। भैया आ गए क्या? हाँ आ गए, छोटी आ गए। भैया हाँ छोटी। भैया कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मैं ठीक हूँ ना। हाँ छोटी ठीक है, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ, ठीक है। आप किधर आई? आप फोन क्यों बंद करके रखे थे इतने दिन से? आपको पता है मैं कितनी परेशान थी, आपको फोन नहीं लग रहा था तो। लेकिन छोड़िए। अरे बताए तो, फोन चोरी हो गया था मेरा। चोरी हो गया था तो किसी के फोन से भी तो बता सकते हैं। चलो ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं आ गया ना बस घर। मैं तो कितनी घबरा गई थी, आपको पता है जी। अब रोती रहोगी, पति दूर से आया, कुछ खाना पीना नहीं खिलाओगी? चलिए। आपको पता नहीं है कितने परेशान थे हम इतने दिन से। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, जो शिकायत है रात में करना। जाओ मेरे लिए ग्लास पानी लियो, तब तक मैं थोड़ा सा अपने दोस्त से बात कर लूँ। ठीक है। ठीक हेलो सर। हाँ शिवा। मैं सही सलामत पहुंच गया घर पे। हाँ ठीक से पहुंच गए? हाँ। और किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? अरे नहीं सर, ऐसा कैसे हो जाएगा। वैसे भी सर, शिवा को जब आप नहीं पकड़ पा रहे थे तो शंकर के परिवार वाले क्या पकड़ पाएंगे। बाबा अच्छा से काम करना। जी सर। ठीक है सर, मैं रखता हूँ, फिर बात करेंगे आप। ठीक। चलो अच्छा हुआ, वैसे भी मुझे कुछ दिन रहने का जगह तो चाहिए था। इसी बहाने में अपने गलतियों का पछताव करूंगा और इस शंकर की बहन का शादी करा के फिर से गायब हो जाऊंगा यहाँ से। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारा शंकर हमें छोड़ के नहीं जा सकता। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा पति हूँ शंकर। मेरा पति नहीं हो सकते तुम, तुम कोई और हो। कौन हो तुम बताओ? मेरा पति कहाँ है? आप रो मत, जो होना था वो तो हो गया। मैं आ गया हूँ ना शिवा, जो शंकर का रूप बन के तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें कभी शंकर की कमी महसूस नहीं दूंगा मैं।